done. Hey guys, good morning. Welcome back to my YouTube channel. I hope आप सभी अच्छे होंगे, मजे होंगे, मौज कर रहे होंगे. आज है 28 तारीख और आज अपने को निकलना था. अभी तो कुछ डिसाइड नहीं हुआ है, क्या लेके जाना है क्या लेके नहीं जाना है. लेकिन एक चीज मैं सुबह सुबह कर आया, बैग, ट्रैकिंग वाला बैग जाके ले आया मैं. ऐसे ना, एक साल पहले मैंने ड्राइविंग लाइसेंस कहीं पे दिया था आईडी प्रूफ के लिए, तो वो अभी तक नहीं मिला मेरे को. मेरे ध्यान से उतर गया मैं कहाँ दिया था और जल्दीबाजी में घर आ गया था. तो ड्राइविंग लाइसेंस की उतनी ज़रूरत पड़ती नहीं है दिखाने के लिए. तो एक महीने बाद कहीं चेकिंग हो रही थी तो मेरे को याद आया, यार लाइसेंस कहाँ गया. उस दिन तो मैंने फ़ोटो दिखा कर काम चला लिया, लेकिन वो आज तक नहीं मिला. ऐसे ही आज 3 दिन से मेरा चार्जर इधर उधर है और वो मिल नहीं रहा है. और इस फ़ोन को दूसरे चार्जर से लगाओ तो बहुत स्लो चार्ज होता है, अपने वाले से आधे एक घंटे में फुल. कल रात से इस फ़ोन को चार्ज पे लगा रखा है और अभी 78% हुआ है, रात यानी सुबह 4 बजे से. तो इतना ही हुआ है चार्ज भाई. अभी फ़िलहाल अपने को और भी बहुत सारी चीज़ें करनी है, तो चलते हैं. पंखा ज़रूरी है वरना बहुत गर्मी होने वाली है, तो इसलिए चलने दो, थोड़ा एडजस्ट कर लेना लाइट ताकि इधर उजाला रहे, क्योंकि दिखता नहीं है इस कमरे में, पुताई नहीं हो रखी ना, तो इस वजह से यहाँ पे दिखाई कम देता है. तो अपना आ गया ये बैग, ये हो गया बैग, इसमें भरने हैं ये सारे कपड़े. ये फोल्ड कर करके मैंने सुबह से रख लिए मस्त वाले, ज़्यादा कुछ ले नहीं जाना. टी शर्ट सिपर रख लिया है, ब्रेकफास्ट कर लेते हैं. एक गिलास भर के शेक पी लिया ना, तो ऐसे भूख सी लगी नहीं रही, भूल गया मैं. तो अभी याद दिलाया घर वाले ने ब्रेकफास्ट कर ले, तो मैं ले आया अपना ब्रेकफास्ट. दही आलू परवल की सब्जी और दो रोटी खा लेते हैं. पंखा चल जा भाई, गर्मी बहुत है. अभी अपने को उड़ती उड़ती खबर आई है कि मेरा चार्जर एक दोस्त के पास है, उसके बैग में रह गया था तो घर ले गया. तो अभी चार्जर तो बहुत ज़रूरी है, मैं सोच रहा था नया लूँगा, लेकिन जब मिल गया है तो जाके ले लेते हैं. और अपने को अपने चश्मे भी लेने हैं, क्योंकि धूप छांव बहुत सारे मौसम का सामना करना पड़ेगा. तो हम लेते हैं फटाफट. अपनी लाइफ जितनी इजी लगती है ना, उतनी है नहीं. कितनी भी प्लानिंग कर लो भाई, भर भर के प्लानिंग कर लो, वो बचपन में आदत नहीं होती. पेपर से एक दिन पहले ही सारी चीज़ें याद होती हैं, उससे पहले होती नहीं है. तो अपनी भी प्लानिंग कुछ ऐसी है, जिस दिन जाना होता है उसी दिन होती है. अभी अभी ऐसा है, भागम दौड़ है. अभी हमने डिसाइड किया है 12-1 बजे निकलना है और अभी टाइम हो गया 10 बज रहे हैं. और मैं अभी जा रहा हूँ चार्जर लेने, कुछ सामान खरीदने हैं और सनग्लासेस लेने हैं. सब कुछ इस एक दो घंटे में ही मेरे को निपटाना है. फटाफट चलते हैं वरना मैं निपट जाऊंगा. पता नहीं क्या यार, इनका तो अलग ही कुतुब मीनार बन रहा है. पिछले 6 महीने से एक नहीं दो दो कुतुब मीनार बना रहे हैं. पता ना कब बन के तैयार होगा. बनाए जा रहे हैं. साला देख देख के मैं बोर हो गया कि अब खत्म होगा. थक गया यार दौड़ दौड़ के. चार्जर डन, बस हॉस्पिटल जाना बाकी है और चश्मे भी लेने. लाओ छोटे उस्ताद हमारे चश्मा दो, मालिक चश्मा दे दो. सब ऐसी है, चश्मा ले लिया, रिपोर्ट ले ली. इस भाग दौड़ वाली जिंदगी में पेट का भी ख्याल रखना पड़ता है. कितनी गर्मी है, पूरा 1 घंटे लेट है. फटाफट पैकिंग करते हैं, निकलते हैं, रास्ते में मिलेंगे आपको. फुल कर दो, फुल.
अरे दिख जा। सुबह से जो भसड़ चल रही थी फाइनली वो समाप्त हो गई है और अपनी जर्नी स्टार्ट हो चुकी है। और स्टार्टिंग जो नंबर है वो देखो आप 299999। तो क्या ही नंबर से अपनी जर्नी स्टार्ट हुई है। टंकी फुल करा ली है 1153 की, 1175 की, 12 लीटर पहले से थोड़ा बहुत तेल था और लगभग 5 किलोमीटर आए होंगे हम। हमने सोचा कहीं शांति में जाके और ऐसा लगे कि हाँ जर्नी स्टार्ट हुई है। ये है NH24 एक्सप्रेस वे, यही पकड़ के हमें जाना है। काफी लंबा जाना है, 100-150 किलोमीटर दूर वहाँ से कटना है। नहीं वो टोटल डिस्टेंस तो 325 अप्रोक्सीमेट है। अभी हम इस लेन इस हाईवे पे हम 100-150 किलोमीटर जाएंगे सीधे सीधे, क्योंकि कोई स्टॉप लेना नहीं है तो इसलिए हम यहाँ रुक के फिर से उड़ चला। उड़ना नहीं है, गर्मी बहुत तेज है, जगह जगह पानी पीना पड़ेगा। अभी टाइम कितना हो रहा है, 2:41। वैसे हमारा जो टारगेट था 12 बजे का निकलने का था, लेकिन जैसा कि आपने देखा सुबह से कितने काम थे, करते करते भाई हो ही गया। तो फाइनली कोई नहीं, अभी हम निकल रहे हैं। ये भरी दोपहर में राइड करने का एक ही डिसएडवांटेज है, प्यास। मतलब जगह तो अच्छी मिली अपने को, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अपने ऐसे जा रहे थे, अपने को ये दिखा बाहर एक भैया मिले, हमने कहा भैया पानी वानी मिलेगा क्या, तो अपने को ये मिल गया फ्री वाला, वो भी ठंडा ठंडा पानी। अबे पीने का है, मुंह धुलने का नहीं है। जैसे जैसे शाम होती जाएगी ना अपना पानी पीने का वो भी कम होता जाएगा, इच्छा कम होती जाएगी और हम थोड़ा स्पीड से जा सकेंगे। अभी क्या ना बहुत तेज लू सी लग रही है और अपने पास वैसे जैकेट है नहीं। टेम्पररी जा रहे हैं हम तो ट्रिप पे, टेम्पररी ट्रिप नहीं, हम टेम्पररी है, ट्रिप तो सही है। अभी फिलहाल चलते हैं, बहुत रेस्ट हो गया, पूरे 2 मिनट का रेस्ट लिया हमने यहाँ पे। अभी हम फिलहाल हाईवे पे किसी ढाबे पे रुके हैं, नाम हम पता नहीं, एकदम टट्टी दार ढाबा है। ना कोल्ड ड्रिंक है कुछ, है कुछ भी नहीं है यहाँ पे। हमें बहुत देर से कुछ मिल नहीं रहा था रुकने के लिए। हमने टारगेट किया था 100 किलोमीटर, 30 किलोमीटर फालतू आ गए इस ढाबे को ढूंढने के चक्कर में, और मिला भी तो ये ना, यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक है, पानी है। तो इसी चक्कर में हम 30 किलो फालतू तो आ गए, कम से कम अपना 131 किलोमीटर कंप्लीट हो गया। अभी निकलेंगे 10 मिनट के रेस्ट के बाद, पानी वानी पी लिया है मस्त। पिछवाड़े में ऐसे आग सी लगी हुई है, उसे ठंडक दे रहे खाट पे बैठ के। इधर जगह बहुत बुरी, रिलैक्स सही हो रहा है। जगह कैसी भी हो पिछवाड़े को ठंडक मिल रही है। पांच मिनट के रेस्ट के बाद अपन फिर से निकल चले हैं। और ये भाई जुगाड़ करता हुआ ये चुभेगा तो नहीं, बाकी सब बढ़िया है। पिछवाड़ा ऐसा गर्म हुआ है कि ये जुगाड़बाजी से चल रहे हैं। चले, ये वो सिकंजी है, क्या बोला था इसने सिकंजी के लिए, इसने कहा पहले आप आइए दोबारा सिकंजी खुद ले आएगी। ओ बाइक
22:07 हो रहे हैं और इतनी बाइक चलाई है घने अंधेरों में, पता नहीं ऐसे चले ही जा रहे हैं। तो शरीर ने बोला भाई रुक जाओ कहीं पे, तो हमें ये दिखा, अभी इसका नाम भी नहीं पता, एक अंकल मिले उनसे बातचीत करके यहाँ रुके हुए हैं, बाकी चीजें कल बताएंगे, अभी बहुत थक गए हैं भाई रास्ते में। वो तो अच्छा हुआ कि रास्ते में हमने डिनर कर लिया था, तो फुल सेट है, बस सोना है। बाकी का जो कल का है, कहाँ जाएंगे क्या करेंगे, आपको अगले ब्लॉग में पता चलेगी। तो इस ब्लॉग को करते हैं यही एंड। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो भाई, सब्सक्राइब। क्या ही बवासीर रोड थे ना, नागिन बना दिया।